हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं जुबिलेंट फूडवर्क्स के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 17 जुलाई 2023 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पाओ जहाँ पे जुबिलेंट फूडवर्क्स में आज के दिन क्या हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन 0.10% का नेगेटिव मूव, 470.70 पे हमें क्लोजिंग देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाले, उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका यहाँ पे कल के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पर मंडे को स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है जरूर हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए जाते हैं मंडे के चार्ट में, बात करते हैं आने वाले दिनों में क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा। मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज सा वॉल्यूम देखने मिल रहा है। कैंडल यहाँ पे मीडियम साइज की बनी है। यहाँ पे दोनों के साइड में छोटी छोटी विक हमें देखने मिल रही है। आरएसआई की बात 36-37 के आसपास जो हमें यहाँ पे जरूर पॉजिटिव मूवमेंट का इशारा देता है, लेकिन कई और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी हमें कंसिडर करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आरएसआई इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपन सर्वे पॉजिटिव मूव है। एक्सपेक्टेड अपसाइड मूव जो हमें 475 के आसपास देखने में उसको भी क्रॉस करते हुए तो मूवमेंट हमें इजीली जो 483 तक आते हुए देखने मिल सकती है। बाकी स्टॉक में ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा, वहीं पर हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल्स बनते हैं वो आपको जो है यहाँ पे मैं बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करने तो स्टॉक अभी भी आपको जो 286 के ऊपर अगर दो दिन तक सस्टेन करते हुए देखने मिले जरूर वहाँ पे बाइंग करें। वहाँ से आपको 5-10% का इजिली अपसाइड मूव जो है 10-15 ट्रेडिंग डेज के अंदर आते हुए देखने मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करनी है करंट प्राइस में रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं तो कहूँगा स्टॉक का आराम से गिरने दे। स्टॉक अभी भी आपको यहाँ पे अराउंड 457 के आसपास आते हुए देखने मिले जरूर वहाँ पे बाइंग करें। बहुत ही बढ़िया बाइंग करेगा क्योंकि लॉन्ग टर्म का लेवल है, तो 100% कैपिटल ना डाले, 20-25% तक आप कैपिटल डालें, बाकी आप कैपिटल आप होल्ड करके रखें। जब भी एडिशनल अनफॉल आपको 10-20% का देखने मिले तब आप वहाँ पे एडिशनल बाइंग करें। याद रखना एडिशनल बाइंग आपको हेल्प करेगा अपना बाइंग एवरेज प्राइस को जो कम करने में, और जितना बाइंग एवरेज प्राइस आपका लॉन्ग टर्म के लिए कम होगा उतना ही बढ़िया प्रॉफिट आपको लॉन्ग टर्म में देखने मिलेगा। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए वन आर के चार्ट में बात करते हैं कल के दिन क्या देखने मिलने वाला है। यहाँ पे वन आर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे यहाँ पे मार्क्ड है, तो फिलहाल हमें जो है मार्किंग्स जो भी मैंने की है आप भी जरूर जो है सेम टू सेम अपने चार्ट पे कर ले। नीचे के साइड में थोड़ा सा यहाँ पे इस रेंज में हमने स्टॉक का एनालिसिस कभी बीच में किया नहीं था, इसकी वजह से यहाँ पे मैं जो है मार्किंग्स कर रहा हूँ। तो जो भी मैं मार्किंग्स कर रहा हूँ वो भी आप कर ले। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी की अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अब हमारी मार्किंग जो कंप्लीट हो गई है, जूम करके मैं यहाँ पे बात करता हूँ इसके क्लोजिंग की। यहाँ पे आप देख सकते हैं 471.20 पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता 467.80 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता 472 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया उसको आप जरूर देख ले, वहाँ पे हमने आपको हर एक चीज समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूँ। तो डायरेक्ट सपोर्ट क्या था, अगला सपोर्ट आता 464.35 का, उसके बाद 461.65 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता 475.40 का, उसके बाद 478.30 फायदा। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताया जरूर जब उसी को कंसीडर में रखते हो जाओ अपना यहाँ पे कल के दिन का ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ, मेरा ओपन स्टॉक में जरूर एक पॉजिटिव क्लोजिंग है। 472 से लेकर 475.40 के रेंज में हमारी क्लोजिंग की भी एक्सपेक्टेशन है। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है मंडे के दिन हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।